नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में 4 भारतीय जवान घायल हो गए हैं। रविवार देर रात को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर के बालाकोट में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की। इस घटना में 4 भारतीय सैनिक घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई चौकियों को नष्ट कर दिया। सभी घायल जवानों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चांद की सतह पर पड़े हुए विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। चंद्रमा की सतह पर पड़े हुए विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की इसरो की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस मिशन में नासा भी इसरो की मदद में लगा हुआ है। हालांकि लैंडर से अभी तक किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिल पाया है। नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क के 3 सेंटर से लगातार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और लैंडर से संपर्क बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक चंद्रमा पर धीरे धीरे शाम हो रही है और इसी के साथ लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित होने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक मार्केट में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 12 दुकानें जलकर खाक हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जंक्शन मार्केट में आज सुबह 12 दुकानों में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। और एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड ने 135 रनों से जीत दर्ज की। स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीच के 4-4 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के 4थे दिन ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की एशेज सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रही। सीरीज ड्रॉ होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का एशेज सीरीज पर कब्जा बरकरार है। सीरीज ड्रॉ होने से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 56-56 अंक मिले।